भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी पुस्तकों के रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है, और इस दूसरे भाग में बाबा साहेब उस बहुचर्चित प्रश्न को समझा रहे हैं, जो बहुचर्चित प्रश्न शब्दों में समानता लिए हुए सभी के जहन में होता है, और वो शब्द है पुनर्जन्म। ये लगभग सभी धार्मिक विचारधाराओं में अलग अलग नामों के साथ खड़ा होता है, लेकिन सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं इस पर। लेकिन तथागत इसे आधुनिक विज्ञान के आधार पर रखते हुए और उसे उस कसौटी पर कसने के लिए तैयार रखते हुए तथागत बुद्ध उसको कैसे समझाते हैं, इसी बात को इस समय बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म में इसको समझा रहे हैं। हमने पिछली कड़ी में देखा कि राजा प्रसेनजीत ने इसी विषय को लेकर कि तथागत बुद्ध मरणांतर रहते भी है या नहीं, इसी विषय को लेकर भिक्षुणी खेमा से बातचीत की। अब इस प्रसंग में बाबा साहेब ने ये जो प्रसंग लिखे हैं, ये प्रसंग राजा प्रसेनजीत पहुंचे हैं तथागत बुद्ध के पास, और उनके साथ भी कुछ इसी तरह का वार्तालाप वे करते हैं। तो देखते हैं कि इस बात से क्या तथागत से वो समझ रहे हैं, और हमारे जीवन के लिए यहां से किस तरह का मार्गदर्शन आता है। तो एक बार राजा प्रसेनजीत तथागत के दर्शनार्थ गया और पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया। उसने तथागत से निवेदन किया, ये स्वाभाविक सी बात है, राजा भले ही राजा है लेकिन वे तथागत के पास अगर पहुंचते हैं तो तथागत को अभिवादन करते हैं। और एक खास बात कि तथागत का जो आसन है उसकी बराबरी का और उसके समकक्ष आसन किसी का नहीं होता, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो। तो वे एक और बैठ जाते हैं और तथागत का आसन इससे ऊंचा होता है, और इनका आसन मतलब उसकी ऊंचाई जो है वो तथागत के आसन की ऊंचाई से थोड़ी कम होती है। तो तथागत से निवेदन किया कि भगवान कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं। वही प्रश्न जो प्रश्न उन्होंने भिक्षुणी खेमा से पूछा था। अब यहां भगवान शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आप ठीक से समझ लीजिएगा। भगवान शब्द का अर्थ हमने बहुत पहले आपको समझाए थे। तो जो अपनी तृष्णा को वान यानी कि तृष्णा, भग यानी कि भग्न भग्न टुकड़े टुकड़े कर देता है, मतलब उस पर विजय प्राप्त करता है, खत्म कर देता है उसे अपनी तृष्णाओं को, तो वो उसे भगवान कहते हैं। तो ये भगवान, तो वो कहते हैं भगवान कृपया बताए कि क्या तथागत मरणांतर रहते भी है या नहीं। तो तथागत कहते हैं महाराज मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है, मैंने इसे इस पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है, मैंने इसे अव्यक्त रखा है। तो राजा प्रसेनजीत पूछते भगवान तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं। तो वो कहते हैं महाराज मैंने इसे भी अव्यक्त रखा है। अब देखिए राजा प्रसेनजीत भिक्षुणी खेमा से बातचीत होने के बाद अब इसे कंफर्म कर रहे हैं तथागत से। पहले प्रश्न उन्होंने पूछा कि मरणांतर तथागत रहते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने इसे अव्यक्त रखा है। फिर वे कहते हैं कि क्या मरणांतर तथागत नहीं रहते हैं, वे कहते मैंने इसे भी अव्यक्त रखा है। तब राजा ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे, सभी का ऐसा ही उत्तर मिला। फिर पूछते भगवान यह कैसे है, जब मैं पूछता हूं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि ये बात तथागत द्वारा अव्याकृत है,
और जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं, तो भी आपका उत्तर होता है कि ये बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। तो भगवान कृपया ये बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि ये बात तथागत ने अव्याकृत रखी है, अव्यक्त रखी है। फिर वही बात वैसे ही दोहरा रहे हैं जो उन्होंने भिक्षुणी केमा से पूछे थे, वही बात वे तथागत से पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या कारण है कि तथागत कृपया बताएं कि उन्होंने इन सवालों को कि मरणांतर तथागत रहते भी है या मरणांतर तथागत नहीं भी रहते, तो इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसे कुछ व्यक्त नहीं किया, इसे कुछ स्पष्ट नहीं किया, तो इसे अव्यक्त क्यों रखा है तथागत ने। तो तथागत कहते हैं, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। फिर वही बात रिपीट हो रही है जो भिक्षुणी खेमा के साथ हुई थी। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास ऐसा कोई गणक है जो गंगा की बालू के कणों को गिन कर ये बता सके कि ये इनकी संख्या इतनी है, इतने हजार, इतने सौ, इतने लाख बालू के कण, इतने हजार बालू के कण इस गंगा में है, ये कोई बता सकता है? आपके पास ऐसा कोई गणक है? तो सारी जो जितनी पूर्ववत बात थी जो भिक्षुणी खेमा के साथ जो हुई, बस वही बात तथागत ने फिर से रिपीट करके राजा प्रसेनजीत से पूछा। तो फिर राजा प्रसेनजीत ने कहा, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। उन्होंने कहा, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत, ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है। राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका इन दोनों के उत्तर में ना अर्थ की दृष्टि से और ना व्यंजन की दृष्टि से कुछ भी कहीं भी कोई अंतर नहीं, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में। राजा प्रसेनजीत कहते हैं, ये वैसे ये बौद्धों की विशेषता भी है कि बौद्धों के पास आप कहीं भी उत्तर पूछो उनके किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए, तो वो यहां भी वही उत्तर है और इस जगह को छोड़कर कहीं भी आप जाएं तब भी उत्तर वही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये कहा जाए कि आप यहां भी दो और दो कहें तो चार ही कहना होगा, और आप चांद पर जाकर ये गणित कर ले, दो और दो चार ही हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी ही बात, ये उदाहरण के लिए बात थी, चांद पर कोई सवाल पूछने नहीं जाना है, लेकिन ये बात कि आप स्थान बदल जाए, शास्ता का शिष्य बदल जाए, लेकिन शास्ता की जो शिक्षा है यानी कि तथागत के जो शिष्य है वो जवाब एक सा ही देंगे उस एक प्रश्न का, वे अलग अलग उत्तर नहीं देते। और इसलिए तथागत के धम्म का ये जो अनुशासन है, शिक्षाओं में ये जो अनुशासन है, ये अनुशासन सब जगह मिलेगा। कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे कहने वाले लोग अब हमें बहुत मिलते हैं कि कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, पूरी बात कभी नहीं बताते और सही बात कभी नहीं बताते, तो ऐसा हो जाता है। तो राजा प्रसेनजीत कहते हैं कि शास्ता का और श्राविका का उत्तर, दोनों का उत्तर बिल्कुल एक सा है, एकदम समान है। भगवान, एक समय में भिक्षुणी खेमा के पास गया था और उससे ठीक यही प्रश्न पूछा और उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, इन्हीं अक्षरों में इस प्रश्न का उत्तर दिया, अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत। ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका दोनों के उत्तर में ना अर्थ की दृष्टि में, ना व्यंजन की दृष्टि में, ना शब्दों की दृष्टि में कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तथागत की बात को अपने अपने तरीके से, बाबा साहेब की बात को अपने अपने तरीके से समझाने लगते हैं और समझाते हुए कई बार अर्थ को बदल भी देते हैं। लेकिन वहां जिस वक्त राजा प्रसेनजीत ये गवाही दे रहे हैं तथागत को, तो वे कह रहे हैं कि ये अद्भुत है गौतम, आपकी बात और आपके श्राविका की बात, आपके शिष्या की बात यानी कि भिक्षुणी खेमा की बात, अर्थ की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से और उसके व्यंजन की दृष्टि से
तीनों दृष्टि से बिल्कुल एक सी है, एक समान है, बिल्कुल मेल खाती है। और इसलिए किसी भी उच्चतम बात के बारे में जब कोई बात होनी हो तो तब वो बात बिल्कुल एक सी होनी चाहिए। बाबा साहेब ने पुनर्जन्म की इस बात को समझाने के लिए तथागत का ये संवाद प्रसेनजीत से और भिक्षुणी का ये संवाद, भिक्षुणी खेमा का ये संवाद प्रसेनजीत से, क्योंकि राजा प्रसेनजीत ने दोनों से एक ही सवाल पूछा और दोनों का एक ही जवाब पाया, जैसे कि कोई लिखा टाइप किया हुआ जवाब, एक सा जवाब उसे अलग अलग समय पर दोनों अलग अलग लोगों से मिला और एक शास्ता है और दूसरी शिष्या है। तो ये जो यूनिफॉर्मिलिटी है, ये जो अनुशासन है बुद्धिज्म का, ये पूरे संसार में एक सा मिलता है और इसी के लिए बौद्धों की जीवन शैली को पहचाना भी जाता है कि वे चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हीं बेहतर तरीके से समझकर उनको अपने जीवन शैली का हिस्सा भी बनाते हैं। अब राजा प्रसेनजीत ने तथागत से जब ये बात कही कि एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है उच्चतम बात के बारे में, अच्छा भगवान अब मुझे आज्ञा दे, मैं जाना चाहता हूं, हमें बहुत कार्य है। तो तथागत ने कहा, महाराज जैसा आप उचित समझे, जो आपके लिए उचित, जो आपके लिए करना उचित है उसे करें। तब कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ और वो अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन कर चला गया। और यहां पुनर्जन्म की ये बात पूरी हुई है। हम पुनर्जन्म के इस विषय में बाबा साहेब द्वारा बनाए गए दोनों प्रश्नों का उत्तर यहां पर प्राप्त किए हैं। अगली कड़ी में जब आपसे जोड़ेंगे तो वहां हम आपको जोड़ेंगे उस बात से जहां बाबा साहेब कहते हैं कि जो शाब्दिक समानता होती है इसमें, जैसे पुनर्जन्म में, वैसे ही और भी जो दूसरे शब्द है जो शब्दों में समान है लेकिन उनके अर्थों में वो भिन्न है, बौद्धों की जीवन शैली में, बौद्धों की सीख समझ में, बौद्धों की शिक्षा में और अन्य लोगों की शिक्षा में, तो इससे जोड़ेंगे आपको। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, वादा करते हैं आपसे पुनः मिलेंगे। बुद्ध और उनका धम्म।